हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है जी सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन हमारी मम्मी जी ठीक नहीं है। शाम को गए थे हॉस्पिटल, फिर आने में हो गए लेट, तो बस फिर ऐसे ही सो गए क्योंकि उदास थे बच्चे भी। और मन देखो उदास हो ही जाता है, अचानक से ऐसे कोई भी हादसा हो जाता है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, और उसके बाद मैं बनाऊंगी बनाना शेक। तो गाइज, व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मॉर्निंग से ही कर दी है। तो वही व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर लेना, ढेर सारा शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लेट नहीं हो रहे हो बेटा दूध लाने में? ना गिर गाइज, जा जाओ बनाना शेक पी लो। आज वीर की अलमारियाँ साफ, और वीर की और वंश की दोनों की कर दी है, और वही बेटी ने अपनी आप कर ली थी, लेकिन ये इनकी करनी रहती है। दोनों भाई एक से हैं, ये नहीं करते हैं कोई काम। आज मैं सुबह सुबह लग रही हूँ, आज अलमारियों को अच्छे से साफ करने लग रही हूँ मैं। तो होगी है स्कूल की जो ड्रेस है वीर की, एक साइड कर दी है टाई बैग। तो ये देखो इतने कपड़े वीर के मैंने निकाल दिए हैं, जो अभी किसी छोटी बेबी है किसी का तो दे दूंगी उनको। वीर को मतलब अभी ये कम आते हैं, आ भी तो ये पहनता है गाइस सारे, लेकिन रख दूंगी तो अलमारी में एक भी नहीं पहनेगा। ये लोअर है, ये इसको थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, बाकी इसका फेवरेट था ये। ये वीर के कपड़े निकल चुके हैं, लेकिन ये पहनता नहीं है। इस चीज की मेरे को शिकायत रहती है, एक टी सेट में आपने देखा होगा कई कई ब्लॉग बनवा देता है जो फेवरेट होती है। आज ये निकलवाई है, कल ना आकर पहन ली, परसों भी पहन ली, क्योंकि सॉफ्ट है ना, उसको कई दिन तक रखता है। फिर मैं भी सोचू कोई ना बालक है। और ये निकाल दिए हैं सारे मंस के कपड़े, तो आज अलमारी एकदम साफ खाली। पता नहीं वो कहाँ है, देख लो क्या। ये अपने कपड़े उठाकर आप तय करके रख दो, देने हैं जिसको हम दे दें। और ये वंश की अलमारी है, आज इसको भी खाली करूंगी। वंश के बटावरे, वंश ना इस पर टांगता है, कही है दीदी पहले वंश को ये अलमारी, इसके में जो हैंगर है ना, हैंगर पर टांगता है शर्ट स्कूल की वाइट वाली जो है, उसके में है हैंगर ना है। सो के उठाया कर देखो एक बार इसको, गुड मॉर्निंग कर ले, अभी नींद में ही है। अभी ये सफाई चल रही है गाइस, और मम्मी जी हमारी है हॉस्पिटल में, मैं गई थी शाम को खाना वाना दे के पापा जी को, और फिर अब मैंने कि सुबह थोड़ी सफाई कर लूँ, छुट्टी चेंज कर दूंगी। मेरी ये अलमारी आपको दे दूंगी मैं, दे दो। हाँ वैसे भी आपको पहले देखती सेट, आपको कितने कपड़े लिए मैंने। और गाइस ये बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी फेस कवर, फेस कवर, तो बहन ये फेस कवर कर दिया आज मैंने। मैंने शाम को धोया था सिर, और अभी सुबह सुबह फिर मैं सफाई में लगी हूँ। बेटी कर रही है खाने पीने की तैयारी, क्योंकि हॉस्पिटल रोटी जाएंगी। और वीर इसको डाल देंगे डस्टबिन में, क्या कर दो अब ये होगी साफ है पानी चुनने। ये धोए का वीर की, ये धोए का वीर का, ये ना गिर दिया पोछा ना, इसका बनाऊंगी पोछा वीर की ना, नहीं अगली सर्दी में वीर इसने फिर पहरेगा, मानने का नहीं है, इसकी पसंद की है ये, अगली सर्दी में फिर इसको आप देख के बोर हो जाओगे। इसका पोछा बनाऊंगी, इसको रख लेती हूँ। अब आप देखते हो दो अलमारी आज करी है ना, उसके पैसे रखे हैं मेरे हैं, हम मिलके जो खोए थे कब खोए, कब खोए, इसके नीचे मेरे नहीं खोए थे, तो मैं आपका नाम लगा रहा था। गाइस देख रहे हो, पहले मुंह करके दिखाओ, मम्मी के दे रहे हैं, चीटिंग वीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं है, मैंने 100 रुपए मिले, मैं सफाई कर रही हूँ, मेरे हैं ये, मम्मी दे रहे हैं मेरे हैं। और देख लो गाइस कैसा बेटा है, इसकी क्या है अलमारी, इसकी थी तो ये अपने छुपा छुपा रखा था, ये इसने आके यहाँ रख लिया, उठा लिया, आज ये पीछे सरक गया था, ये सोचा था। गाइस मुझे लगा था मेरे 100 रुपए खो गए, आज मिल गए, पार्टी पार्टी होगी, खजाना मिल गया इसे छुपा हुआ जो इसका गुम हो गया था ना। क्या कर रही है
मत करे सोनिया, मत मैं अपना दे दो। ये गाइस ये जमाऊंगी कल, देख रहे हो आप, साफ सुथरे रहने वाले बंदे ऐसे होते हैं अंदर से, उनकी केयर कौन करता है पता नहीं, और बाहर जाकर वे ऐसे दिखाते हैं हम कितने साफ सुथरे हैं, अपना काम हम खुद करते हैं, लेकिन ऐसे संभालती है। और अभी बच्चों की करी है, ये रह गई है क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आज नहीं करूँगी, इसको कल करूँगी। अब इसको पैक कर देती हूँ, लेकिन मैं ना इसको बंद कर रही हूँ फिर, लेकिन मेरे दिमाग में दिल में ये हमारी ऐसे फैली हुई, मेरे को बार बार नजर आती रहेगी, इतना नहीं जमाऊंगी। कई दिन हो गए वहाँ से ले गए हैं ना, तो सफाई अच्छे से हुई नहीं है, और वहाँ से भगना पड़ा जी साल में, वो आपको पता ही है कैसे हम भगे हैं, बहुत परेशानी चल रही है भाई। दुआ करो सब बढ़िया ठीक ठाक हो जा, हमारी मम्मी बहुत परेशान है, दिक्कत में है। अभी ये कपड़े उनको दे दो, पूछो अपने पापा जी को कि अभी तो मशीन लग रही है, अभी तो सारे दो दो फिर दो तीन दिन मशीन नहीं लगाऊंगी मैं। ये लोअर टी शर्ट भी कितने हो जाते हैं, गर्मी में ना पसीने इतने आते हैं, एक बार एक घंटा कपड़ा पहन लो और फिर नहा लो, ना दोनों पहनना आया था दोबारा फिर पहनने की हिम्मत नहीं। ये मशीन में धोए हैं, बाकी साफ में धोएंगे, साफ से धोएंगे जी। तो अभी मैं लगाऊंगी पोछा, तो पहले ये वाइट वाले हैं रखे थे, थोड़ा सा कंफर्ट डाला था, तो ये वाइट कपड़ों के लिए होता है, मशीन से धोई आवाज तो मेरी ऐसी आ रही होगी। ये देखो कैसी हो जाती है ना, ये मैंने सूटों पे धो दिया था एक दो घंटा पहले, तो जो वाइट कपड़े हैं वो बिल्कुल वाइट ही रहते हैं। कपड़े देख दरवाजे के पीछे कोई कपड़े वपड़े लोअर वगैरह टंग रहे हो भाई के, आपके किसी के भी दरवाजों के पीछे देख लो, दो चार कपड़े हो तो उसे ला दूंगी। ये नंदी रमा को चला है इसमें, सोच रही हूँ वो कर दूँ, सोफे के कवर धुल जाएंगे ही, साफ है एकदम। अभी मैं कर रही हूँ ये ड्राई हल्के वाले कपड़े, फिर ये जींस वगैरह, उसके बाद सोफे का कवर। और जी ये मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, तो सारे सूख ही चुके हैं, बस ये दो चार रह रहे हैं मेरे कंधे पर रखे हुए हैं, तो कई जिनको सुखा के, और मैं अब जाऊंगी नीचे नहाना है मेरे को, नहाने के बाद कोई काम है नहीं क्योंकि नमकीन चावल सुबह बनाए लिए थे, लेकिन खाने में तो अभी कुछ बनाऊंगी मैं, देखूंगी क्या सब्जी बनाऊंगी, आटा लगा के रखूंगी। और गाइज पता है अभी जैसे मैं सुबह से लग रही हूँ, तो कुछ सफाई मेरी होगी है, कुछ रह रही है, जब कई दिन हो जाते हैं ना कहीं चले जाते हैं तो घर बंद होता है, लेकिन फिर भी अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती, स्मेल सी आती है, तो वो सोफे के कवर भी मैंने धोए हुए थे, वे बस सुखा के जाऊंगी, जब पहले ये तार खाली हो जाएंगे तो कपड़े ड्राई हो रहे हैं, ये हल्का सा इनका लगेगी एक बार हवा और धूप, फिर इनको उतार के ले जाऊंगी और उनको सुखा के जाऊंगी, और शाम को जाऊंगी मम्मी जी के पास, कल भी शाम को गई थी, दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकती ना, तो जी बस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूंगी, बताना आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा।